तो गाइस मैं आ गई थी हाइपर सिटी, क्योंकि मुझे लेना था घर का सामान, राशन। तो ये मेरे को चाहिए था एक मग, क्योंकि अमन को चाहिए था चाय के लिए एक मग। तो मैंने सोचा अच्छा बड़ा सा ले लेते। इमरान जी आ गए आज जल्दी, मुझे लेने भी पिकअप कर लिया साथ के साथ। तो बोले मैं तेरे लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए आया। तो ये मेरे को फर्स्ट टाइम पुल से लेके जा रहेगा, इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो बहुत ही अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ से निकलना। ये मेरे को बता रहे थे यहाँ का भी वीडियो बना। और यहाँ से आते हैं तो जल्दी सीधा चले जाते हैं, ना कोई पुलिस रहती है ना कुछ, और आराम से हम निकल जाएंगे। ये हमारी गाड़ी बढ़िया वाली। यहाँ गाइस और भी बर्तन पड़े पहले से, लेकिन अंकल जी बोल रहे हैं पहले आपका कर देता हूँ, क्योंकि आप अकेले खड़े हो इतनी देर से। ये हवा मिल के पास से बहुत ही अच्छे अंकल जी गाइस। तो गाइस भगोना कल ही कराने के बाद मेरे बिकली का चाय वाला भगोना, उसके बाद मुझे लग गई भूख। पास में यहाँ पर शॉप नहीं ओपन हुए कटले के पास, तो मैंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पिया। और भाभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है चूड़ियों का, तो मैं उनके लिए कुछ परचेज करने आई थी। उसके बाद लाइटर चाहिए था, लाइटर ले लिया। उसके बाद आ गई घर। सो गाइस आज बनेगा हमारे घर में हलीम। तो ये देखिए मैं समा दाल भी डाल दिया अब इसमें, सब तरह की चारों दालें, लाल पीली चावल, ये भी पूरी, और ये भी पूरी डलेगी चने की दाल, क्योंकि हम बना रहे 1 kg का हलीम। हलीम गाइस संडे, और बच्चे पूरे दिन से बड़ी अम्मी को परेशान कर रहे हैं, ये देखिए। और छोटी ये दी, और छोटी के पापा चले गए, और मेरे को कपड़े यहाँ सिलने के डालने हैं। अभी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, मैं जोधपुर से लेकर आई थी। देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल गंदे बच्चे, सारे दिन लड़ाई करते रहते। तो चलो गाइस, गाइस ये देखिए मैं सूट कश्मीरी सिलाई थी, मैं सोची अभी डालू। एक तो चूहा खाएगा, आपने देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में, नहीं देखा था अभी और बता दूंगी आपको। तो ये था मेरा, वो था बहन का, उसको भी सिला लेते एक कश्मीरी सूट, जैसा है। और ये लाई थी मैं जोधपुर से गाइस, ये था सनाए की पसंद। देखिए बंदेज का सूट, दुपट्टे मैंने निकाल लिए क्योंकि सिलाई टाइम, मैं तो लेकर आई थी क्योंकि भाई ने सिलाए थे, मेरे पास इतना बजट नहीं था। मैंने कहा मैं थोड़े से भी कलर उतर जाते ना, बिल्कुल अच्छा लगा। ये था सनाए की पसंद, और ये मुझे अच्छा लगा था रेड वहाँ पर लाइटिंग में। इसमें से आपको कौन सा सूट अच्छा लगा? ये चूहे ने पूरा काट दिया है, क्योंकि मैंने रख दिए थे कपड़े ऊपर, आपने देखा होगा पिछली सफाई में मेरा। ये देखिए ये देखा इतनी जगह से काटा है, एक गेरा एक गेरा पूरे कपड़े की, मतलब इतनी छेड़ी। इसको देख के मुझे वो फिल्म की याद आ गई, जूही चावला करते ना, दिखा नहीं दिखा, ये देख इश्क इक्स इक्स अभी तक मेरे नाम है। इसको अब डाले जाएंगे हम, आज ही जाऊँगी शाम को। तो बस अभी हम, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, सभी देखिए 4 से 6 घंटे तक भीगने के बाद दोनों कुकर में दाल गेहूं चावल जो भी आपका था, बहन ने भी ये कर दिया। अभी मैं इसको गोश तो अच्छे से करूंगी, और ये बर्तन ले आइए नीचे से इसको, तो इस बड़े पतीले में पकाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हो गया गाइस, 1 किलो मटन और 1 किलो जो भी सामान है। तो बच्चे नहीं है, आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही ना, क्यों नहीं आ रही? मेरा बच्चों से मन लगता गाइस, अब मैं 15 मिनट से ऐसे परेशान हो रही, बच्चे खाएंगे। और आज का वेदर दिखाती हूँ आपको, देखिए आज चांद दिखने वाला था, शायद कल दिखे, लेकिन दिख जाता अगर बादल ना होते तो। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजमी कुरैशी ब्लॉग। आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब ठीक है, आप सब की दुआ से आप, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही हूँ। लेकिन फिर भी आप दुआ करिएगा मैं और एकदम ऑफ हो जाऊँ। तो आज का वेदर देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी है ना। सो गाइस मैंने सुबह नया सूट पहना था, जैसे नया सूट नहीं नया ही था, लेकिन वो सारे सूट इतने टाइट हो गए गाइस, जिसमें मेरा दम घुटने लगा, इसलिए मैंने फटा पुराना, पुराने में ही जितना आराम आता ना, आप लोगों को भी आता हो, आता तो बताना, नहीं आता तब भी बताना। नए सूट अच्छे तो लगते हैं लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं होता,
उसके कारण कभी मैं कभी बाल के नहीं, मैंने सोचा था आज मैं चांद देखूँ, दुनिया की पहली औरत होगी जो भाई दुबई से दुबई के, और उसके साथ रोजा हो जाएगा शायद, शायद दुबई में आज हो जाए, सऊदी में भी आज हो जाए, दुबई सऊदी एक ही शायद, मतलब एक नहीं मतलब एक ही दिन रोजा बनता है, लेकिन कहाँ पर बनेगा बताओ, इतने बादल हैं। तो चलो अभी हलीम बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने देखा गाइस रूबी के किचन वाला वीडियो, प्लीज़ मैं आपको लिंक दे दूँगी, लिंक ना दूँ तो आप रूबी का किचन देख लेना, मैं भूल जाती हूँ हमेशा बोल देता हूँ, तो मैं लिंक दे दूँगी फ़ोटो, लेकिन मैं डालने भूल जाती हूँ, परेशान रहती ना इसलिए। तो मेरी बहन अभी पता नहीं क्या कर रही है, ये देखिए बच्चे बिना कितना। तो गाइस ये देखिए जो भी हमने जो दाल गेहूँ सारी मिक्स दाल चावल सब उसको कुकर में, दोनों कुकर में, दो कुकर प्रेशर कुकर ले लिए थे, उसके अंदर बॉईल कर लिया, फिर इसमें निकाल दे, गल गई। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, पांच बड़े डब्बे, ये देखिए बहुत बड़े वाले। तो गाइस मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने, मेरी बहन ने क्या ये उबाला ना, तो इसमें हल्दी डाल रही भूल गई, तो कोई बात नहीं हम इस गोश्त में डाल लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो इसकी अच्छे से गल गई, इसको मैंने धीमी आंच में पका लेते हैं अब, तब तक हमारा मटन अच्छे से गल जाए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते, मैंने यही कुकर ले लिया है ताकि बर्तन वैसे भी इसी के अंदर जाने वाला, तो ये डाल दिया मैंने इसमें, देखिए लहसुन अदरक और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची का पेस्ट। तो गाइस सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए, ये सब 50-50 ग्राम है, नमक भी 50 ग्राम है, ये भी इसमें मैंने थोड़ा गरम, ये गरम मसाला 50 ग्राम है, जीरा भी 50 ग्राम, मैंने आधा पीस लिया आधा खड़ा कर लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है मुंह में आएंगे तो बच्चे खाएंगे नहीं शायद। ये है 10 ग्राम, ये भी 50 ग्राम होना चाहिए, ये भी 50 ग्राम, बाकी सब हल्दी लहसुन ये मैंने सब डाल दिया, मैं पता नहीं क्या चला रही। और ये मैंने यहाँ भिगो दिया, ये बहुत लेट हो गया, खजूर है और खोपरा है कोकोनट और ये एक अंजीर है, बाकी आपकी इच्छा है। तो अब इसमें हम सब डाल नीचे, पकाने के लिए रख दिया है ये, मतलब 70% बन गया अपना दलिया, खिचड़ी तो भी ये दलिया वालों के लिए बना लें, ये अपना 70% बन गया है, ये पूरा 100% पकाया, सो एकदम बिल्कुल घुटना चाहिए एकदम रेशा रेशा से। तो गाइस पहली बार बना रही हूं, इसलिए मैंने ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं किए, और मैंने आपको बोला था पिछला वो मेरा प्लीज कस्टमर का ऑर्डर मैगी का, तो मैंने सोचा साथ साथ कमाई भी कर लेते थोड़ी छोटी मोटी, इंशाल्लाह अच्छा अल्लाह ने हमें जो नवाजा है, हमारा टैलेंट है वो चलता रहे हमारे हमेशा, आप सब दुआ कर लीजिएगा। और यहाँ ये सब हो ही रहा है रेडी, गाइस तेल खत्म हो गया था हमने ऑनलाइन, तो गाइस तेल भी खत्म हो गया था, मैंने ऑनलाइन दो ब्लिंक किट से मंगा लिया मैंने, बहुत ही अच्छे आजकल सुविधाएं मिल गई गाइस, बाहर मत जाओ ऑनलाइन मंगा लो अगर इमरजेंसी हो तो, बाकी अगर आपके आसपास लोकल मार्केट है वहां से लो। तो अभी चलो हम हलीम बनाते आ जाओ, और मैं कभी मैं इसको मुंह से फाड़ लेती हूँ, कैची है नहीं कैची हो के भी बच्चे क्या घुमा देते, तो पहले इसमें डाल लेते थे ताकि हम अपने अच्छे से प्याज फ्राई करें, बाकी बचा हुआ हम इस डब्बे में डालेंगे। और मैं इतनी जल्दी में गई स्कूल, लग रहा बच्चे कहीं भूखे ना मर जाए, अभी 7:30 हो गए या फिर 8 बजे गए समथिंग, तो अभी राम जी भी आने वाले आज जल्दी आ जाएंगे। और ये मैं, ये मेरी शॉप का ही घी है बेकरी का अमूल, 20 रुपये का पाउच गई, तो मैंने सोचा चलो इसको आज इसी भी हमारे घी खत्म हो गया, अभी रमजान का राशन लाना है मेरे को तब लाएंगे, तभी इससे काम चला लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फ्राई करते हैं पहले प्याज, एक डाल के देख लिया, देखिए तेल नहीं आया है, और सना बीच बीच में गाइस परेशान कर रहे हैं।
वाओ ठीक चाहिए बढ़िया। सो गाइस ये घोटना मेरे काम आएगा, ये देखिए ये मेरे बच्चों ने, मेरा भाई है ना, ये इसने मतलब ठोक ठोक के, ये मैं हलीम के लिए लाई थी, फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हलीम के लिए, इसको अच्छे से घोटेंगे अभी आधा घंटा या एक घंटा। और यहाँ हमारी रेडियो की सब्जी, सब इसको इसमें डालें। तो गाइस सब कुछ डाल दिया मैंने, हमें अब घोटने की बारी, तो बस अब सब इसमें मिल मिल के घुटाएं। मेरी बहन सबसे ज्यादा, मेरी बहन मेहनत करेगी, खाएगी तो नहीं हो लेकिन मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई गाइस, 6 बजे से खड़ी पेड़ ज्यादा 2-2 घंटे हो गए घोटते ही, थोड़ा घोटते देख लो और भी बढ़िया बनता है। बाप को बसी का अक्षय कुमार। सो गाइस अब आ गए मेरी हेल्प कराने मेरे इमरान जी, ये देखिए वाह क्या घोट रहे हैं, बताओ मेरे तो हाथ दुख गए गाइस, छाले पड़ गए हाथों। शाबाश शाबाश शाबाश, ये कह रहे कोई जरूरत नहीं घोटने, खा लो वैसे। तो गाइस ये देखिए तो थक चुके हैं, इनसे मेहनत बहुत, लेकिन इन्होंने भी आधा एक घंटा आए जब से गली, और मेरा हाथ देखिए गाइस हाथों में ललाई आ गई, अब सनाया पकड़ेगी और मैं घोटूंगी इसको, बस कुछ देर देखिए गाइस, ये थोड़ा सा ये देखिए कितना मतलब थोड़ी देर और है, 15 मिनट और कर लेती इसको, फिर रेडी है। सो गाइस हो गया रेडी, सबसे पहले बताएंगे सनाया के चाचू इमरान जीजू, यानी सॉरी इमरान जी, तो दिखने में तो बड़ा ही थोड़ा सा कम लग रहा मुझे, लेकिन खा के बताएंगे, बाकी जुबान बताएगी। इधर इधर एक बाइट मुझे भी खिलाओ। इसमें भी देख लेती हूँ, सच बोल रही है झूठ, मतलब घर में जो बनता अच्छा है, बाकी मार्केट से कम नीचे। चलो बाकी लोग तो गाइस भाई से पूछते हैं, ये दोनों खा रहे हैं, सच्ची सच्ची बताना, दुकान वाला बना है, बढ़िया माल, बढ़िया घर का है, फ्रेश माल, नो गंदगी, कैसे बना मन बता, एक नंबर, चटपटा नहीं लग रहा। तो गाइस मैं तो थक गई, सबको लिंक खिला दिया, अभी सबसे पूछेंगे, बाकी अच्छा बना मैंने खाया था, सब बोले बड़ी तारीफ कर रहे, और अभी मैंने नहीं खाया क्योंकि कमर बहुत तेज थी गाइस, और पसीने छूट गए, पसीने हमेशा करके अपनाऊंगा कल। कैसा बना माहिर, माहिर के नाक में से पानी निकल गया। तो गाइस सबने खा लिया हलीम और सबने बताया अच्छा, अब इनसे आपको पूछे कैसा बना, बच्चों बताओ, अच्छा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, दो नंबर का मतलब होता है काम अच्छा बना, एक नंबर का मतलब ज्यादा अच्छा लगा, तो नायक को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नायसा को दो नंबर यानी कम अच्छा लगा, है ना, दो नंबर।
गाइस बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। अब मेरी इतनी हालत खराब हुई गाइस, थक गई मैं हलिंदो और आगे इतनी थक गई पैरों में और हाथ में मेरे छाले पड़ गए, सुबह पता चलेगा। तो इस व्लॉग को करते गाइस एंड, मिलते आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस, शायद आप मिलेंगे आपको शायद रमजान के व्लॉग में। ये ले ये रे हमारे आई आई, अब हम मिलेंगे रमजान के व्लॉग में गाइस। चार बार वाले दिन ये पहले बोलते हो रमजान को इंशाल्लाह जल्दी। तो वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना गाइस, मेरा चैनल यही रहने वाला है। सब लोगों ने बोला इतनी मेहनत करी थोड़ी, और सब लोगों की वजह से भी, मेरे हस्बैंड की वजह से भी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू कर सकती है, करेगी कंटिन्यू कर। मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। आर्मी बात से मैंने एक छोटा सा मजाक किया था, कोई नया चैनल नहीं बनेगा, इसको ही हम कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू टाटा।